नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। हम लेकर आते हैं हर सुबह सत्र सवेरा में यूपी के भदोही जिले की दिन भर की ताजा तरीन बड़ी व अहम खबरें। भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें और सत्यम न्यूज की खबरों को अपने दोस्तों व परिचितों को शेयर करें। आइए अब नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भदोही जिले में रविवार को चीनी वायरस से पीड़ित 4 नए मामले और सामने आए हैं। सभी हाल ही में मुंबई से लौटे थे। भदोही के नई बाजार व चौरे के पचपटिया में मिले चारों मरीजों का स्वैब 23 जून को जांच के लिए गया था, जहां रविवार को आए जांच में चारों संक्रमित पाए गए हैं। पचपटिया में पति पत्नी पॉजिटिव मिले हैं, जबकि नई बाजार में दोनों सगे भाई हैं। नई बाजार व पचपटिया में संक्रमित मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की पहुंची टीम ने सभी को अपने साथ ले गई, साथ ही पुलिस ने इलाके को बैरिकेटिंग कर दिया है। इन मरीजों के संपर्क में आने वालों की भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पता लगा रही है। अब जनपद में संक्रमित मरीजों की संख्या 129 हो गई है। भदोही जिले के शहर कोतवाली औराई थाना सीमा अंतर्गत सररोही बाजार के समीप बढ़ौना चक भवानी गिरी मोरवा नदी पर मछली मार रहा जितेंद्र गिरी नामक युवक नदी में डूबने लगा। युवक को डूबता देख उसे बचाने के लिए 58 वर्षीय महेश गिरी ने नदी में छलांग लगा दी। डूब रहा जितेंद्र नामक युवक तो बच गया, लेकिन महेश गिरी की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची भदोही के रजपुरा चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा रहा। भदोही जिले के नगर पंचायत नई बाजार में सरकार की स्वच्छता सफाई जैसी व्यवस्था पूरी तरह धड़ाम हो चुकी है। इस महामारी काल में भी नगर पंचायत के इलाकों में साफ सफाई नहीं कराई जा रही है और न ही सैनिटाइज कराया जा रहा है। गंदगी से नालियां पूरी तरह बजबजा रही हैं। कई वार्डों में तो आज भी भीषण गंदगी फैली है, जबकि नगर पंचायत नई बाजार में ही 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। बावजूद नगर पंचायत नई बाजार गंभीर नहीं दिख रहा है और पूरी तरह नगर पंचायत नई बाजार के जिम्मेदार लापरवाह बने बैठे हैं। नई बाजार में 2 महीना से सैनिटाइजर नहीं हो रहा है, गंदगी यहां बहुत ज्यादा है। भदोही जिले के गोपीगंज बस स्टैंड के पास गत दिनों हुए बमबाजी के मामले में पुलिस ने आरोपित मंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों पर छात्र नेता मनीष यादव के ऊपर बम फेंकने का आरोप है। छात्र नेता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में जुगिनका गांव निवासी मंजीत सिंह को पुलिस ने जहां गिरफ्तार कर लिया है, वहीं इस मामले में 2 लोग अभी फरार हैं। भदोही शहर कोतवाली के पिपरिस भारी गांव के दया शंकर, उसकी पत्नी राधा देवी, बेटा सुनील व परिवार की एक अन्य महिला को गांव के ही आधा दर्जन दबंगों ने मारपीट कर घायल कर देने का मामला सामने आया है। दया शंकर पिपरिस गांव में ही अंडा व सब्जी की दुकान लगाकर अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन मामूली विवाद में आधा दर्जन दबंगों ने उसके अंडे व सब्जी की दुकान को तोड़कर जहां ध्वस्त कर दिया, वहीं मारा पीटा भी। पीड़ित जब न्याय की गुहार लेकर पुलिस के पास पहुंचा तो उससे 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। गरीब परिवार के पास पैसा न होने की वजह से उसे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उधर दबंग भी उसे धमकी दे रहे हैं कि 5,000 रुपया दीजिए तब रिपोर्ट दिखाएगा। तब साहब हम लोग हम पर आदमी नहीं जानते हैं कहाँ कहाँ होता है कहाँ नहीं, तो कहे 5,000 रुपया दीजिए हम भी अब तो रिपोर्ट लिखेंगे। नहीं लिखा साहब, 10 बजे रात भी रहे थे, कहे जाइए यहाँ बार बार आए रहे, तू जाओ बाहर निकल हटो।
प्रसाद चले आए हम, लोग दे रहे हैं साहब कि सड़के डोले गए तो अंडा भी लगाए, दुकान लगाएगा आज भी, जब भी होगा तब भी मैं मारूंगा सत्तू और पकंचू और जो है पगल, कि आप भी यहाँ दुकान लगाएगा तुरंत मारेंगे। भदोही जिले के डीग विकास खंड के ग्राम सभा बैरी बीसा के जगापुर मिश्रान गांव निवासी सूर्यबली गुप्ता नामक व्यक्ति का कच्चा मकान तेज आंधी व बारिश में धाराशाही हो गया। सूर्यबली के साथ उसी मकान में चार अन्य भाई रहते हैं, जिसमें परिवार के लगभग 20 सदस्यों का सिर छिपाने का यही आसियाना था, लेकिन बारिश में गरीब का यह आसियाना धाराशाही हो गया। अब पूरा परिवार उसी मकान में पन्नी आदि डालकर रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना लेखपाल सहित ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान को दी, लेकिन बेघर हुए इन गरीब परिवारों के बीच अभी भी कोई नहीं पहुंचा है। गोपीगंज इलाके में चोर उचक्कों का हौसला बुलंद है। चोर उचक्के कोतवाली के नाक के नीचे घटना को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। कुछ दिन पूर्व कोतवाली के ठीक सामने चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया था। एक बार फिर कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर मौजूद एटीएम को चोर काटकर कैश उड़ाने के फिराक में थे, लेकिन संयोग अच्छा था कि एटीएम नहीं कट पाया। हौसला बुलंद चोर जाते जाते एटीएम में लगी बैटरी उठा ले गए। सुबह यह नजारा देख लोगों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। आर्थिक तंगी से जूझ रहे भदोही जिले के हाईवे पर स्थित लाला नगर टोल प्लाजा के कर्मियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मानवाधिकार संगठन सहित जनपद के आला अफसरों को पत्र देते हुए गुहार लगाई है। दिए गए पत्र में टोल कर्मियों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें काम से हटा दिया गया, लेकिन अभी तक उन्हें काम पर नहीं बुलाया गया, जिससे टोल कर्मी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और परिवार भूखमरी के कागार पर है। भदोही जिले की गोपीगंज व जंगीगंज पुलिस ने लगभग 2 दर्जन व्यापारियों पर लॉकडाउन उल्लंघन सहित रविवार बंदी के दिन दुकान खोलने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें अजय कुमार, बबलू शंकर, शिवराम गुप्ता, अनिल कुमार, रंजीत प्रकाश अग्रहरी, रमेश कुमार, नितेश कुमार, मनोज, राहुल, अजय गोपीगंज, इसी तरह जंगीगंज के विनोद व अजय पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह सभी दुकानदार रविवार को साप्ताहिक बंदी के दिन भी दुकान खोले हुए थे। भदोही जिले में बगैर मास्क व हेलमेट लगाकर निकलने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत बाइक के साथ साइकिल व पैदल चलने वालों का भी पुलिस ने चालान किया। मोड़ चौकी इंचार्ज सुनील यादव ने इस अभियान के तहत 80 बाइक, 12 साइकिल सवार व 8 बगैर मास्क पैदल चलने वालों पर कार्रवाई की है। इसी तरह गोपीगंज पुलिस ने इस अभियान के तहत 32 वाहनों का चालान किया है। यह अभियान समूचे जनपद में कई दिनों से चल रहा है, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। भदोही जिले के क्षतिग्रस्त गोपीगंज रामपुर गंगा घाट मार्ग के मरम्मत को लेकर भाजपा नेता गगन गुप्ता ने सांसद डॉक्टर रमेश बिंद, जिला अधिकारी लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में भाजपा नेता ने कहा कि यह मार्ग काफी समय से बदहाल व क्षतिग्रस्त है, इसी मार्ग से शव यात्रा भी जाती है, साथ ही इस मार्ग पर बड़ी संख्या में आवागमन होता है। बारिश के इस मौसम में गोपीगंज रामपुर गंगा घाट का यह मार्ग पूरी तरह बदहाल हो गया है। भाजपा नेता ने बदहाल इस सड़क की मरम्मत कराए जाने को लेकर पत्र लिखा है। कल ही मैंने पत्रक दिया और कल ही उन्होंने माननीय मंत्री जी से बात करके उसको पास करा दिया। जैसे कि बड़ी खुशी की बात है, गोपीगंज के साथ साथ पूरे जिला के लोगों के लिए ये मुख्य मार्ग है जाने के लिए गंगा जी, जो कि जहाँ तक सांसद जी ने बताया, मुझको आज फ़ोन करके अवगत कराया कि माननीय मंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया है और बहुत जल्द ही
यहाँ का सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। पार्टी के आह्वान पर भदोही जिले में समाजवादी छात्र सभा ने जनसंदेश साइकिल यात्रा निकाली। पूर्व मनोनीत सभासद व युवा सपा नेता राजकुमार यादव के नेतृत्व में निकाली गई जनसंदेश साइकिल यात्रा को समाजवादी पार्टी के भदोही पूर्व विधायक जाहिद बेग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल यात्रा भदोही विधानसभा के फत्तूपुर, गंगापुर, पिपरिस, महादेवा आदि ग्रामीण इलाकों में पहुंची। यात्रा पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू की गई। इस मौके पर मनोज यादव, प्रमोद यादव, विजय बिंद, अशोक यादव, सुजीत मौर्य, शैलेंद्र यादव, अर्जुन यादव आदि सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। फटाफट खबरों में आज के लिए इतना ही। इस अपील के साथ आपसे लेता हूं विदा। कल फिर कुछ अहम खबरों के साथ होगी मुलाकात। अपने दर्शकों से फिर वही अपील, अपने आसपास की खबरों के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और कहीं भी कोई भी खबर हो हमें बताएं। आदाब, नमस्कार।